कृपया ध्यान दीजिए, ICF कोच वाली राजधानी और ICF कोच वाली शताब्दी एक्सप्रेस 120 या 130 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलती है, जबकि नॉर्मल ICF कोच 110 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ऊपर क्यों नहीं जाते? तो अगर आपके दिमाग में भी इस तरह के सवाल घूमते हैं, तो इस वीडियो में आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। नॉर्मल ICF कोच वाली ट्रेन 110 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ऊपर क्यों नहीं जाती, जबकि ICF कोच वाली राजधानी और शताब्दी 130 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलती है? तो आपको बता दें, इसके पीछे कई सारे टेक्निकल कारण होते हैं। नॉर्मल ICF कोच में जो भी लाइट या पंखे लगे होते हैं, उन तक सप्लाई पहुंचाने के लिए कोच के नीचे एक अल्टरनेटर लगा होता है, और जब पहिए घूमते हैं तो अल्टरनेटर भी घूमता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और इस इलेक्ट्रिसिटी से बैटरी को चार्ज किया जाता है। फिर इसी बैटरी से पंखे या लाइट को सप्लाई दी जाती है। सभी कोच के नीचे इंडिविजुअल अल्टरनेटर लगे होते हैं। जब लोकोमोटिव स्टार्ट होता है और कोच को खींचना शुरू करता है, तो लोकोमोटिव को शुरू में बहुत ताकत लगानी पड़ती है, क्योंकि ट्रेन के व्हील के साथ साथ अल्टरनेटर को भी घुमाना पड़ता है। तो बात साफ है कि यहाँ पर ट्रेन की स्पीड कम हो जाती है। वहीं अगर ICF शताब्दी या राजधानी की बात करें, तो इसमें सारे कोच एसी होते हैं। सभी कोचों में एसी होने के कारण कोच के नीचे जो अल्टरनेटर लगे हैं, ये अल्टरनेटर सारे एसी को सप्लाई नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए सारे अल्टरनेटर को हटाकर कोच के नीचे दोनों तरफ अंत में जनरेटर लगा दिए जाते हैं, जिससे लोकोमोटिव आसानी से कोच को खींच पाते हैं। जाहिर सी बात है कि जब कोच के नीचे लगे अल्टरनेटर हटा दिए जाते हैं, तो लोकोमोटिव पर ज़्यादा जोर नहीं पड़ता है, जिससे ट्रेन की स्पीड बढ़ जाती है। वहीं बात करें दूसरे टेक्निकल रीज़न की, तो वो ये है कि नॉर्मल ICF कोच में विंडो ओपन होते हैं, जिससे एयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है, जिससे लोकोमोटिव बहुत अधिक ताकत लगाने के बाद भी स्पीड के साथ कोच को नहीं खींच पाते हैं। लेकिन अगर बात करें ICF वाली राजधानी या शताब्दी की, तो इनके विंडो क्लोज रहते हैं, कोच पूरी तरह सील होते हैं, जिससे हवा का दबाव कम पड़ता है और लोकोमोटिव को कोच खींचने में कम ताकत लगानी पड़ती है। इसी वजह से ये लोकोमोटिव बड़ी आसानी से 130 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलते हैं। तीसरा टेक्निकल कारण ये है कि ICF वाली शताब्दी या राजधानी जो होती है, इसका रूट पहले से डिसाइड होता है। ये मैक्सिमम परमिसिएबल स्पीड यानी अधिकतम अनुमेय गति वाले रूट पर ही चलती हैं, जबकि नॉर्मल ट्रेनें 110 किलोमीटर पर आर वाले रूट पर चलती हैं। इससे ज़्यादा की स्पीड पर चलने की इस रूट पर परमिशन नहीं होती है, इसलिए ICF वाले नॉर्मल कोच को 110 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ऊपर नहीं चलाया जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या वजह है कि नॉर्मल और शताब्दी या राजधानी ट्रेन की स्पीड में इतना फर्क क्यों होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। हम आपकी सफल, सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं।